Hi everyone, a couple of days before I was suffering from back pain and my lower back was aching badly. I was on bed rest literally. Then those days I was thinking that our studies are suffering due to my backache. So I am back, I am feeling better now. Today we are taking lesson number 7 from RBSC 12th English Reader Rainbow and lesson's name is Indigo. Indigo का अर्थ नील होता है और नील की जाती थी पहले खेती. अब तो सफेदी के आगे उजाला होता है, पर पहले कपड़ों को और खास तौर पे अंग्रेजों के कपड़ों को सफेद रखने के लिए नील की खेती करवाते थे अंग्रेज. और इस लेसन के अंदर ये बताया गया है कि इलिटरेसी यानी असाक्षरता, निरक्षरता कितनी घातक होती है. अगर व्यक्ति निरक्षर होता है तो उसका, अगर व्यक्ति अनएजुकेटेड होता है तो उसका हर जगह पर शोषण किया जाता है. दिस लेसन इंडिगो इज रिटन बाय लुइस फिशर एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ हिज बुक लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. दिस लेसन टेल्स अस थ्री थिंग. वन थिंग इज इलिटरेट और अनएजुकेटेड जो लोग होते हैं उनका हमेशा शोषण होता है. जैसे कि गरीब अनएजुकेटेड इलिटरेट किसानों का शोषण किया करते थे अंग्रेज. सेकेंड थिंग इज अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह अपनी टेनेसिटी से, डिटर्मिनेशन से, रिजोल्यूशन से बड़ी समस्या का हल कर सकता है. थर्ड थिंग इज सिविल डिसोबीडियंस और नॉन वायलेंस दो ऐसे इनविजिबल वेपन हैं यानी अदृश्य हथियार हैं जो पहले के ज़माने में भी, अंग्रेजों के ज़माने में भी अचूक थे और आज के ज़माने में भी अचूक है. बड़े से बड़ी लड़ाई जो है वो इन दो इनविजिबल वेपन्स से जीती जा सकती है जिनका नाम है सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा. तो ये कहानी है दृढ़ निश्चयी शेयर क्रोपर बटाईदार किसान राजकुमार शुक्ल की, जिन्होंने गांधी जी को अपने जिले चंपारण चलने के लिए मजबूर भी किया, आग्रह भी किया और साथ ही साथ अपने किसान भाइयों पर अंग्रेजों द्वारा जो अत्याचार हो रहे थे उस समस्या का समाधान भी कराया. तो ये कहानी शुरू होती है नवाबों के शहर लखनऊ से. लखनऊ में हो रहा था कांग्रेस का अधिवेशन, सन था 1916. तो लखनऊ चले. इंडिगो लेसन के राइटर 1942 में पहली बार गांधी जी से मध्य भारत में स्थित उनके सेवा आश्रम में मिले थे. तब गांधी जी ने कहा था, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा किस प्रकार हुआ कि मैंने अंग्रेजों के चले जाने का आग्रह करने का निश्चय कर लिया. यह बात 1917 की है. 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी गए थे. वहां पर 2301 प्रतिनिधि थे. वहां पर एक गरीब दुबला पतला एक किसान था. उसने कहा, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जिले में पधारें. गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था. यह ऊंचे हिमालय की निचली पहाड़ियों में स्थित था और नेपाल राज्य के निकट था. एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत चंपारण के किसान बटाईदार थे. राजकुमार शुक्ला भी इन्हीं में से एक था. वह निरक्षर किंतु दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था. वह कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार की जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में शिकायत करने आया था और शायद किसी व्यक्ति ने उससे कहा था कि गांधी जी से कहो. गांधी जी ने शुक्ला से कहा, उन्होंने भारत के बहुत से भागों में जाने का वचन दे रखा है. शुक्ला गांधी जी के साथ सभी जगह गया. फिर गांधी जी अहमदाबाद स्थित अपने आश्रम पर वापस आ गए. शुक्ला भी उनके पीछे पीछे आश्रम आ पहुंचा. सप्ताहों तक वह गांधी जी के निकट से हटा ही नहीं. एक तारीख तय कीजिए, उसने प्रार्थना की. बटाईदार के दृढ़ निश्चय और उसकी कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, मुझे फला फला तारीख को कलकत्ता में रहना है, आना और मुझसे मिलना तथा वहां से मुझे ले चलना. महीनों गुजर गए. शुक्ला कलकत्ता में तयशुदा स्थान पर जहां पर गांधी जी आने वाले थे उकड़ू बैठा हुआ था. तब गांधी जी वहां पहुंचे. वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक गांधी जी को फुर्सत नहीं मिल गई. फिर दोनों बिहार के पटना शहर के लिए एक रेल में बैठ गए.
वहाँ शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गया जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था और जो बाद में कांग्रेस दल के अध्यक्ष बन गए थे और भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। राजेंद्र प्रसाद शहर के बाहर थे, लेकिन उनके नौकर जो थे शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे और गांधी जी की वेशभूषा भी गरीब किसान की थी, तो दोनों को ही उन्होंने क्या समझा, एक बटाईदार किसान समझा। नौकर ने उन दोनों को वहां ठहरने तो दिया, परंतु उन्होंने गांधी जी को एक और किसान समझकर गांधी जी को कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उनकी बाल्टी से गिरी कुछ बूंदें कुएं के पानी को गंदा कर सकती थी। वे भला कैसे जानते कि गांधी जी एक अस्पृश्य व्यक्ति नहीं थे। गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया, जो चंपारण के रास्ते में ही था। गांधी जी किसानों की दशा की ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा। उन्हें गांधी ने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। रेल आधी रात को पहुंची 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी स्टेशन पर छात्रों के एक बड़े समूह के साथ इंतजार कर रहे थे। गांधी वहां प्रोफेसर मलकानी के घर पर 2 दिन ठहरे। मलकानी सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। गांधी कहते हैं, उन दिनों यह बड़ी असाधारण बात थी कि एक सरकारी प्रोफेसर मेरे जैसे व्यक्ति को अपने घर पर शरण दे। छोटे बस्तियों में जो स्वराज के समर्थक यानी स्वतंत्रता के समर्थक जो लोग होते थे, उनके प्रति सहानुभूति दिखाने से भी डरा जाता था। गांधी जी के आने की और उनके आने के कारण का समाचार शीघ्र ही मुजफ्फरपुर में और चंपारण में फैल गया। चंपारण के बटाईदार किसान पैदल और अन्य साधनों से आना शुरू हो गए, ताकि अपने नेता के दर्शन कर सके। मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी से मिले और उन्होंने बताया कि हम बटाईदार किसानों से इतनी फीस लेते हैं। गांधी जी ने वकीलों को बटाईदार से भारी फीस लेने के कारण फटकारा। उन्होंने कहा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें न्यायालय में जाना बंद कर देना चाहिए। ऐसे मामलों में न्यायालय में ले जाने से कोई लाभ नहीं है। जहां किसान इतने दबे कुचले हैं, भयभीत हैं, वहां न्यायालय बेकार है। उन्हें असली राहत भय से मुक्त होने से ही मिल सकती है। चंपारण जिले की बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक अंग्रेज थे तथा भारतीय किसान जो थे उस पर खेती करते थे, और मुख्य व्यापारिक फसल थी नील यानी इंडिगो। जागीरदार जो अंग्रेज थे, सभी काश्तकारों को उनकी जमीन के 3/20 हिस्से तथा या फिर 15% भाग पर नील बोने के लिए बाध्य करते थे, और नील की फसल को किराए के रूप में स्वामियों को समर्पित करने के लिए यानी अंग्रेजों को देने के लिए कहते थे। ऐसा एक दीर्घकालीन समझौते के द्वारा किया जाता था। पहले कोई समझौता हुआ था, इस कारण से ऐसा हो रहा था। कुछ समय पहले ही अंग्रेज जागीरदारों को यह मालूम पड़ गया कि जर्मनी ने कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल नील विकसित कर लिए, जैसे उजाला होता है। इस पर उन्होंने बटाईदारों से समझौते कर लिए कि वे बटाईदार जो है उन्हें 15% की व्यवस्था से मुक्त करने के बदले में क्षतिपूर्ति देंगे यानी कंपनसेशन देंगे। कई किसानों ने स्वेच्छा से इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, और जिन्होंने विरोध किया उन्होंने वकील रख लिए। इसी बीच आर्टिफिशियल नील की जो बात अंग्रेजों ने किसानों से छुपाई थी, वह अनपढ़ किसानों के पास भी पहुंच गई, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। अब वे अपना पैसा वापस मांगने लगे। इस बिंदु पर गांधी जी चंपारण आए थे। अब गांधी जी ने तथ्य जुटाना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम में ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स एसोसिएशन के सचिव से मिले। सचिव ने उन्हें कहा कि वे बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दे सकते। गांधी ने उत्तर दिया कि वे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। इसके बाद वे तिरहुत डिवीजन के सरकारी अंग्रेज कमिश्नर के पास गए। चंपारण जिला उसी डिवीजन में पड़ता था। गांधी जी बताते हैं, कमिश्नर ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया और तिरहुत से तुरंत चले जाने का परामर्श दिया। गांधी जी तिरहुत से नहीं गए, इसके बजाय वे मोतिहारी की तरफ चले गए। मोतिहारी चंपारण की राजधानी थी। इसके उनके साथ में कई वकील भी चले गए थे। स्टेशन पर एक विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। वे एक घर पर गए
और उसे मुख्यालय के रूप में काम में लेते हुए अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। एक सूचना आई कि निकट के एक गांव में एक काश्तकार के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। गांधी जी ने जाकर देखने का निश्चय किया। अगली सुबह वह हाथी पर बैठकर रवाना हुए। वे अभी दूर भी नहीं गए थे कि पुलिस अधीक्षक का दूत आ पहुंचा और उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी गाड़ी से वापस शहर लौट जाएं। गांधी ने आदेश का पालन किया। दूत ने गाड़ी से गांधी को घर पहुंचा दिया तथा उन्हें एक सरकारी आदेश थमा दिया कि वे तुरंत चंपारण छोड़ दें। गांधी ने इस आदेश की प्राप्ति पर हस्ताक्षर किए और इस पर यह लिख दिया कि वह इस आदेश की अवज्ञा करेंगे। यहां से शुरू होता है सविनय अवज्ञा। परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश मिला। पूरी रात गांधी जी जागते रहे। उन्हें बिहार से राजेंद्र प्रसाद को प्रभावशाली मित्रों के साथ आने के लिए टेलीग्राम भेजा। उन्होंने आश्रम को निर्देश भेजे। उन्होंने वायसराय को तार द्वारा पूरी रिपोर्ट भेजी। सुबह मोतिहारी शहर किसानों की भीड़ से काला पड़ गया था। किसानों को दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के कार्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने केवल इतना सुना था कि एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता था अधिकारी गणों के साथ उलझ गया था। न्यायालय के भवन के चारों ओर हजारों की संख्या में किसानों का स्वस्फूर्त प्रदर्शन अंग्रेजों के भय से उनकी मुक्ति की शुरुआत था। अंग्रेज अधिकारी गणों ने गांधी जी के सहयोग के बिना अपने आप को शक्तिहीन महसूस किया और उन्हें यह भी पता चल गया कि भारतीय किसान जो है वह अब भयहीन हो चुके हैं। सरकार चकरा गई थी। अभियोजक ने न्यायाधीश से प्रार्थना की कि वह मुकदमे को स्थगित कर दे। स्पष्ट था कि अधिकारी गण अपने वरिष्ठ लोगों की सलाह लेना चाहते थे। गांधी जी ने इस देरी का विरोध किया। उन्होंने एक वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। उन्होंने न्यायालय से कहा कि उनके सामने कर्तव्यों का संकट था। एक ओर वे कानून तोड़ने वाले के रूप में बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे, दूसरी ओर वे मानवीय और राष्ट्र सेवा प्रदान करना चाहते थे। इसी के लिए तो वे चंपारण आए थे। उन्होंने वहां से चले जाने के आदेश को नहीं माना। उन्होंने कहा, कानून सम्मत शासन के प्रति सम्मान के अभाव का कारण नहीं, लेकिन हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून की आज्ञाकारिता से के लिए अंतरात्मा की आवाज के लिए मैं यहाँ हूँ। उन्होंने देर दंड की मांग की। मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह 2 घंटे के मध्यांतर के बाद फैसला सुनाएगा और गांधी जी से उन 120 मिनट के लिए जमानत देने को कहा। गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने उन्हें बिना जमानत के ही मुक्त कर दिया। जब न्यायालय में फिर जुड़ा तो न्यायाधीश ने कहा कि वह कई दिन तक फैसला नहीं सुनाएगा। इस दौरान उसने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक तथा अन्य कई प्रमुख वकील बिहार से आ गए थे। उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें कारावास का दंड दिया गया तो वो लोग क्या करेंगे। वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया कि वे उन्हें सलाह देने तथा उनकी मदद करने आए थे। अगर वह जेल चले गए तो फिर सलाह का कोई लाभ ही नहीं रहेगा और वे वकील अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर बटाईदारों के साथ होने वाले अन्याय का क्या होगा, गांधी जी ने पूछा। वकील परस्पर विचार विमर्श के लिए पीछे हट गए। राजेंद्र प्रसाद ने वकीलों के विचार विमर्श के निष्कर्ष का लेखा जोखा अंकित किया। उन्होंने कहा, उन्होंने वापस आपस में सोचा कि गांधी जी बिल्कुल अजनबी व्यक्ति थे, किंतु फिर भी वह किसानों के हित में जेल जाने तक को तैयार थे। अगर वे वकीलगण जो हैं, दूसरी तरफ न केवल आसपास के जिलों के निवासी होते हुए भी बल्कि किसानों की सेवा करने का दावा करते हुए भी अगर घर लौट जाएंगे तो यह शर्मनाक परित्याग या धोखा हो जाएगा। तब सारे वकील गांधी जी के पास आए और उन्होंने कहा कि वे उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार हैं। चंपारण की लड़ाई जीती जा चुकी है, गांधी जी ने ये बात भाव विभोर होकर कही। अब गांधी जी और वकीलों के
गिरफ्तारी के क्रम निर्धारित हो चुके थे। कई दिनों बाद गांधी ने मजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश प्राप्त किया जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि उस प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी के विरुद्ध मामले को निरस्त करने का आदेश दे दिया है। आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की विजय हो गई थी। गांधी जी तथा अन्य वकीलों ने अब किसानों की शिकायतों के बारे में व्यापक जांच करने की योजना बनाई। करीब 10,000 काश्तकारों के बयान लिखे गए तथा अन्य प्रमाण के आधार पर टिप्पणियां तैयार की गई, दस्तावेज जुटाए गए। समस्त क्षेत्र जांचकर्ताओं की गतिविधियों एवं जमींदारों के जोरदार विरोध स्वरों से स्पंदित हो गया, गूंज उठा। जून के महीने में गांधी को सर एडवर्ड गेट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बुलाया गया। जाने से पूर्व गांधी अपने प्रमुख साथियों से मिले और पुनः उन्होंने सविनय अवज्ञा की विस्तृत योजना बनाई अगर वह वापस न लौटे। गांधी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 दीर्घकालीन साक्षात्कार हुए। परिणाम स्वरूप उसने नील के बटाईदार किसानों की स्थिति की जांच के लिए एक सरकारी आयोग की नियुक्ति कर दी। उस आयोग में शामिल थे जमींदार, सरकारी अधिकारी तथा काश्तकारों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी स्वयं। 7 महीनों के प्रारंभिक अनवरत काल के लिए गांधी चंपारण में रहे और फिर कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए जाते रहे। जो यात्रा उन्होंने संयोगवश एक अनपढ़ काश्तकार की प्रार्थना के कारण की थी, इस उम्मीद के साथ कि वह कुछ समय की ही बात होगी, उसने गांधी जी के जीवन का करीब 1 वर्ष ले लिया था। सरकारी जांच ने बड़े जमींदारों के विरुद्ध सबूतों का एक भारी भरकम पहाड़ इकट्ठा कर लिया और जब उन्होंने इसे देखा तो सिद्धांत रूप से सहमत हो गए कि काश्तकारों का पैसा लौटा दिया जाए। लेकिन हमें कितना पैसा चुकाना होगा, उन्होंने गांधी जी से पूछा। वे सोचते थे कि गांधी पूरा पैसा चुकाने के रूप में मांगेंगे, जो उन्होंने जमींदारों ने गैर कानूनी और कपटपूर्ण तरीके से किसानों से ऐंठा था। गांधी जी ने केवल 50% राशि ही मांगी। इस पर दृढ़ प्रतीत हुए। चंपारण में एक अंग्रेज मिशनरी सम्मानीय जे जेड होज ने लिखा था। उन्होंने सारे प्रकरण को निकट से देखा था। उन्होंने कहा, संभवतः यह सोचते हुए कि गांधी जी मानेंगे नहीं, जमींदारों ने प्रतिनिधि ने 25% राशि लौटाने का प्रस्ताव रखा और उन्हें आश्चर्य हुआ कि गांधी जी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार गतिरोध तोड़ दिया। आयोग के द्वारा इस समझौते को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। गांधी ने स्पष्ट किया कि वापस लौटाए जाने वाली रकम की मात्रा कम महत्वपूर्ण थी, अपेक्षाकृत उस तथ्य के कि जमींदार पैसे का एक हिस्सा वापस लौटाने को बाध्य हुए और इसके साथ ही अपनी प्रतिष्ठा के एक हिस्से को भी। इसलिए जहां तक किसानों का संबंध था, जमींदारों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि जैसे वे कानून के ऊपर हैं। अब काश्तकार ने देख लिया कि उसके भी अधिकार होते हैं और उन अधिकारों के रक्षक भी होते हैं। उसने साहस रखना सीख लिया था। घटनाओं ने गांधी जी की बात को तर्कसंगत ठहरा दिया। कुछ ही वर्षों के भीतर ब्रिटिश जमींदारों ने अपनी संपदाओं का परित्याग कर दिया। वे वापस काश्तकारों को मिल गई, नील की बटाईदारी गायब हो गई। गांधी स्वयं को बड़े राजनीतिक अथवा आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं करते थे। उन्होंने चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा और तुरंत इस बारे में कुछ करना चाहा। उन्होंने अध्यापकों से अपील की। महादेव देसाई और नरहरि पारीख, दो युवक जिन्होंने गांधी जी का शिष्यत्व ग्रहण किया ही था, उनकी पत्नियों ने काम करने की स्वेच्छा जताई। कई अन्य लोग बॉम्बे, पूना तथा देश के दूरस्थ भागों से आए। गांधी के सबसे छोटे पुत्र देवदास आश्रम से आए और श्रीमती गांधी कस्तूरबा गांधी ने भी ऐसा ही किया। 6 गांवों में प्राथमिक स्कूल खोले गए। कस्तूरबा ने व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वास्थ्य पर आश्रम से संबंधित नियमों की शिक्षा दी। स्वास्थ्य की स्थितियां भी अत्यंत दयनीय थी। गांधी ने एक डॉक्टर को 6 माह के लिए स्वैच्छिक सेवा देने के लिए तैयार कर लिया। 3 दवाएं उपलब्ध थी, अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल, कुनेन और सल्फर की मलहम। कोई भी व्यक्ति जिसकी जीभ मैली हो
उसे अरंडी के तेल की खुराक दी जाती। मलेरिया के बुखार वाले व्यक्ति को कुनेन और अरंडी का तेल दिया जाता था और जिस व्यक्ति की चमड़ी पर फुंसियां होती थी उसे मलहम और अरंडी का तेल मिलाया जाता था। गांधी ने स्त्रियों के वस्त्रों की गंदी दशा को देखा। उन्होंने कस्तूरबा को इस बारे में उनसे बात करने को कहा। एक स्त्री कस्तूरबा को उसकी झोपड़ी में ले गई और बोली, देखो कपड़े के लिए न तो कोई बॉक्स है और न ही कोई अलमारी। जो साड़ी मैंने पहन रखी है वही एकमात्र साड़ी मेरे पास है। चंपारण में उनके लंबे प्रवास के दौरान गांधी ने आश्रम पर लंबी दूरी से निगाह रखी। उन्होंने डाक द्वारा नियमित रूप से निर्देश भेजे और वित्तीय लेख जोखे मांगे। एक बार उन्होंने आश्रम के निवासियों को लिखा कि वे शौचालयों की पुरानी खाइयों को भर दें और नई खाइयां खोद लें, नहीं तो पुरानी खाइयों से दुर्गंध आने लगेगी। चंपारण की घटना गांधी के जीवन में एक मोड़ थी। गांधी ने कहा, जो मैंने किया वह बहुत साधारण चीज थी। मैंने घोषणा कर दी कि अंग्रेज मुझ पर अपने ही देश में हुक्म नहीं चला सकते। लेकिन चंपारण की घटना अवज्ञा के कृत्य के रूप में शुरू नहीं हुई थी। यह गरीब किसानों की बहुत बड़ी संख्या का कष्ट हल्का करने का एक प्रयास के रूप में विकसित हुई थी। यह गांधी का विशेष तरीका था। उनकी राजनीति लाखों लोगों की व्यावहारिक और रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। उनकी निष्ठा मात्र विचारों के प्रति नहीं, यह जीते जागते इंसानों के प्रति थी। इसके अलावा गांधी जी जो भी करते थे वे एक नवीन स्वतंत्र भारतीय को आकार प्रदान करने का प्रयास करते थे, जो अपने ही पैरों पर खड़ा हो सके और इस प्रकार वह भारत को स्वतंत्र बना सके। चंपारण कार्यवाही के प्रारंभ में चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, एक अंग्रेज शांतिदूत जो गांधी जी का समर्पित अनुयायी बन गया था, फिजी द्वीपों पर अपने काम के दौरे पर जाने से पहले गांधी जी के पास अलविदा कहने के लिए आया। गांधी के वकील मित्रों ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार रहेगा कि एंड्रूज चंपारण में रहें और उनकी मदद करें। एंड्रूज ऐसा करने का इच्छुक भी था, बशर्ते गांधी जी सहमत हों। लेकिन गांधी जी इस विचार के सख्त विरोध में थे। वह बोले, आप लोग यह सोचते हो यह असमान लड़ाई में यह फायदेमंद रहेगा कि एक अंग्रेज हमारे पक्ष में हो। यह बात आपके हृदय की कमजोरी को दिखाती है। हमारा लक्ष्य न्याय संगत है और अन्य लोगों को अपने आप पर भरोसा रखना होगा लड़ाई जीतने के लिए। आप लोगों को मिस्टर एंड्रूज का सहारा नहीं ढूंढना चाहिए केवल इस कारण से कि वे एक अंग्रेज हैं। गांधी ने हमारे मन को सही तरह से पढ़ लिया था, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। इस प्रकार गांधी ने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाया। आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता और बटाईदार काश्तकारों की मदद, सभी एक दूसरे से बंधे हुए थे। जय हिंद, जय भारत।